हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, शायद उसमें हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे पोस्चर से रिलेटेड है। शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे, स्पॉन्डिलाइटिस। अगर हम देखें तो हर पर्सन अपनी लाइफ के किसी ना किसी फेज में इस प्रॉब्लम से सफर रहा है। अगर इसकी जो मेन एक कॉज की बात करें तो वो है हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल। दो कारण हैं इसके, स्पॉन्डिलाइटिस के। एक तो हमारा रॉन्ग लाइफस्टाइल और दूसरा कैल्शियम की कमी, लैक ऑफ कैल्शियम हमारी बॉडी में। दो तरह का है स्पॉन्डिलाइटिस, एक तो सर्वाइकल जो ये यहाँ नेक पे होता है हमारी, और दूसरा है लंबर, ये बैक में, लोअर बैक में। वो भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की, हर दूसरे बंदे को बैक पेन है और सर्वाइकल है। आज हम इस वीडियो में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम क्या हैं? नेक में पेन होना, पीछे नेक में पेन है जो कि हमारी आर्म्स तक फैल जाता है, मतलब शोल्डर में हुआ एंड आर्म्स में रेडिएट हो जाता है, चाहे लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड। दूसरा, स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि हम नेक का मूवमेंट भी नहीं कर पाते, बहुत इरिटेटिंग पेन होता है। सर दर्द होना, चक्कर आना, जरा सा भी झुके तो पूरा सर घूम जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, वॉमिट फील होती है। और जो हमने आम की बात की थी उसमें धीरे धीरे हमारे हाथों में नमनेस आनी शुरू हो जाती है, सुन्नपन आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे इसके सिम्टम हैं। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, बहुत कॉमन, सबको पता है, चाहे हम उन्हें फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कि हमें किसी एक भी पोस्चर में बहुत देर तक बैठ के काम नहीं करना है। बीच में उठें अगर हमें दो तीन घंटे बैठ के काम करना है तो हर 45 मिनट्स के बाद हमें अपने दो चार मिनट के लिए या पाँच मिनट के लिए खड़े होकर वॉक कर लेनी है और हल्की सी एक्सरसाइज, सो दैट स्टिफनेस निकल जाए। दूसरा, हमें कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए एंड वाइटामिन डी ऑल्सो, ये दोनों हमारी डाइट में ज़रूर होने चाहिए। और जो लोग सफर्ड हैं स्पॉन्डिलाइटिस, जिनका क्रॉनिक हो चुका है, उनको अपने सर के नीचे पिलो तकिया नहीं लगाना चाहिए एंड पैरों के नीचे भी नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ थोड़ी थोड़ी सी अगर प्रिकॉशन ले ली जाए तो थोड़ा बहुत हमें इसमें रिलीफ मिल सकता है। अब हम ट्रीटमेंट की आज जो बात करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर, बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आप अपने साथ जो लोग भी जिनको नेक पेन रहता है या स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, वो अपने पास एक क्रीम, वैसलीन, जो भी लुब्रिकेंट ऑयल कुछ भी अपने पास रख लें। तो मैं इस ट्रीटमेंट को शुरू करती हूँ, एक मैं मसाज बताऊँगी और फिर सीड के थ्रू आपको एक ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, वही मेथी दाना के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, हमें उसके लिए क्या करना है, जो हमारा जहाँ हमें मसाज देनी है वो कौन सी जगह है, हमारे जो हाथों के अंगूठे हैं उसके बैक साइड, नेल के नीचे दो जॉइंट होते हैं नेल थम में हमारे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा नेक का एरिया है। इस पे हमने ये जो मैंने आपको वैसलीन दिखाई थी, ये लुब्रिकेंट लिया एंड इसको थम से ऐसे डीप प्रेशर देंगे। जिन लोगों को पेन है प्लीज वो अभी वीडियो पॉज करें एंड इसको मसाज करें और इस मसाज को थम से नीचे भी ले जाएं, ऐसे ये प्रेशर देते हुए। ठीक है, ये दीजिए आपको अभी साथ साथ एक रिलैक्सेशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेन गायब हो जाएगा, पर एक रिलैक्सेशन आपको फील होगा, राइट। इसको हम फिर पोंछ देंगे। अच्छा, ये जो हमने लेफ्ट हैंड में किया है सेम हम इसको नीचे राइट हैंड में भी करेंगे एंड थंब से अंदर की तरफ यहां ले आएंगे प्रेशर देते हुए। ठीक है, अब जिन लोगों को नेक पेन लेफ्ट साइड जा रहा है, लेफ्ट शोल्डर को सफर कर रहा है, तो वो अपने लेफ्ट थंब के साथ जो ये नीचे बोन जा रही है इसको प्रेशर देंगे। ठीक है, और जिनको राइट साइड हो रहा है, राइट शोल्डर जिनका अफेक्टेड है, वो राइट हैंड में पीछे थंब से पीछे ऐसे ये प्रेशर देंगे एंड ये तो करना ही करना है। ठीक है, एक तो ये मसाज है, ये जो सफर्ड लोग हैं अभी करें उनको इमीडिएट फायदा होगा। एवरी डे भी आप
मेथी पट्टी हर समय हम नहीं लगा के रख सकते हैं, तो भी आपको जब लगे ज़्यादा स्टिफनेस हो रही है, आपने सिर्फ एक वैसलीन या क्रीम कोई भी हाथ में ले लेनी है एंड मसाज कर लेनी है। जब भी आप खाली बैठे आप मसाज करते रहिए, ठीक है। अब जो एक ट्रीटमेंट मैं बताने जा रही हूँ वो है हमारा मेथी पट्टी का। उसके लिए क्या करना है, हमें ये बड़े वाला सर्जिकल टेप लेना है। कल जो हम ले रहे थे वो छोटे वाला था इससे पहली वीडियोस में, अब हम लेंगे ये बड़े वाला चौड़े वाला टेप लेंगे। तो अब जिसके थंब के पीछे ये एरिया जितना है उतनी चौड़ी मेथी को हम फैला लें किसी हार्ड सरफेस पे। अब आप वो समझ ही गए होंगे सब उसको कैसे करना है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बना ही रही हूँ वो पट्टी। उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक पट्टी बना लेनी है एंड वही टेप पे जो हमारा स्टिकी वाला पार्ट है उस पे हमें चिपका लेना है इसको। अब क्या करना है, ये वाला पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है थोड़े से प्रेशर के साथ इसको हमें ये बांध देना है, ये टाई कर देना है ऐसे, ठीक है। फ्रेंड्स जिनको पेन है उनको साथ साथ एक पैल्पिटेशन फील होनी शुरू हो जाएगी एंड उनको रिलीफ भी मिलना शुरू होगा। और जब शोल्डर में जो रेडिएट हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, ये प्रेशर देना है यहां पे। अगर आप चाहें ऐसे ही एक पट्टी बना के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ प्रेशर से भी हमें काफी फायदा हो जाएगा। तो जो मैंने बताया था जिनको लेफ्ट साइड रेडिएट हो रहा है वो लेफ्ट हैंड के थंब के पीछे मसाज करेंगे, और जिनको राइट साइड हो रहा है वो राइट साइड मसाज करेंगे। ये तो हुआ ट्रीटमेंट सर्वाइकल के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि एक मेथी पट्टी लेफ्ट हैंड की जो हमारी रिंग फिंगर है उसका जो अपर जॉइंट है इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हम इसको लगा लेंगे। फ्रेंड्स फिर वही कि हम ट्रीटमेंट आज करके ये ना सोचें कि इससे मुझे रिलीफ मिल गया, लेकिन अगर हम इसको इससे थोड़ा एक सिग्निफिकेंट रिलीफ चाहते हैं तो हम इसको एवरीडे करें, कम से कम 3 या 4 महीने इसको रेगुलर करें। जब हमारी ये प्रॉब्लम एक बार सबसाइड हो जाए तो हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हमें लगने लगे कि ये फिर चीज़ हमारी, क्योंकि हमारे पॉस्चर्स तो कभी भी सही नहीं होने वाले, हमारा लाइफस्टाइल वही रहेगा, तो चीज़ें बैक आ जाती हैं। अगेन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करते रहेंगे और सर्वाइकल जो कि बहुत इरिटेटिंग प्रॉब्लम है उससे हमें रिलीफ मिल सकता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड आप इसे यूज़ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।